किस्मत नहीं क्या? अमीर और अहमक जैसा कि लोग कहते हैं। अब तो ये लखपति हैं। मिस्किन तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। शांको नस्तासिया, मेरी शादी हो रही है, एक कुर्सी लाओ। शांको ला रहा हूं। रघुजन अपना गंदा बंडा लेकर दफा हो जाओ, मैं अब तुमसे ज्यादा अमीर हूं। तुम छोड़ दो, नशे में है, मैं भी शादी करूंगा। तुम्हें वाकई चाहता है, जब तुम्हें लोग बताएंगे तुम्हारी बीवी ठाकुर साहब की रखेल थी, तब भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये तुम कह रही हो, तुम नास्तासिया? नहीं, कोई शर्म नहीं आएगी। आज सुबह तुम्हारा फोटो देखा, लगा तुम मुझे बुला रहे हो। तुम्हारी इज्जत करता हूं नास्तासिया। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। मेहता साहब, आपने सुना मिस्किन ने अभी क्या कहा? रघुजन शायद तुम्हारे साथ चलूंगी, कहां ले जाओगे मुझे? दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तुम्हें अंबा से शादी करनी चाहिए, नास्तासिया मुखोपाध्याय से नहीं। नहीं नास्तासिया, ऐसा मत करो। जिंदगी भर जेल में रहने के बाद आजादी मिली है, आज खुश होने का दिन आया है। चलो रघुजन, किस बात का इंतजार है? तुम्हें किस बात की शर्म है? ऐसा मत करो। चलो चलो, ये मेरी हैरी है। मेरी 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 मलिका, पास बताना। क्या चीज को मजा रखी है? गणेश, ये बंडल देख रहे हो, इसमें 1,00,000 रुपए हैं। देवी देवी भगवती, इसे मैं आग में फेंकने वाली हूँ, निकाल पाओ तो सबके सब तुम्हारे हैं। उंगलियां थोड़ी बहुत जल जाएंगी। ये पैसा मेरा है ना रघुजगन? क्या उसे बांधें? ये पुलिस को खबर करें, वो पागल हो गई है। It's my money. खत्म हो गया। I can do what I feel like. नहीं ठाकुर साहब, खत्म हो गया सर। वो इतनी पगा गया है। सिर्फ तुम्हारा है मलिका। ड्रामेटिक इफेक्ट्स। शंको आग बढ़ा। नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा ना सासा मुखोपाध्याय। पागल हो गई है, पूरी पागल। जल जाएगा और बाद में तुम खुद को लटका लोगे। घूम कीजिए कि आग में कूचा हूं, बाल जल जाएंगे लेकिन पूरे पैसे निकाल लूंगा। है एकदम। अरे 1,00,000 रुपए के लिए तो मैं 10,000 रुपए का बाहर निकाल लूं। देखो अरे गणेश, क्या हो गया तुम्हें? गणेश, ये पैसा गणेश का है। The whole roll is his. शंकु, जरा पानी लेके आओ। होश में आओ मिस्किन, उसे जाने दो। देखा नहीं तुमने कैसी है? सुनो मेरी बात। अच्छा आदमी है लेकिन
ये तुम्हें देने को कहा है अकेले में। शायद तुम मुझे पूरी तरह से भूल चुकी हो, फिर क्यों लिख रहा हूं पता नहीं। बहुत मन होता है कि तुम्हें अपनी याद दिलाऊं, तुम्हें खास तौर पर। अंबालिका, खाना लग गया। कितनी ही बार तुम तीनों की जरूरत पूरी तरह महसूस की, पर सबसे ज्यादा तुम्हारी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपने बारे में लिखने को कुछ नहीं, तुमसे कहने को कुछ नहीं, चाहता हूं तुम खुश रहो। तुम खुश हो? तुम्हारा भाई मिस्किन। सोने का बंगला। साहब, सब लोग गए गोवा। वीरा, वीरा, वीरा। जब अरे आप प्रिंस, एक मिनट, बस एक मिनट, बस हवा के झोंके की तरह से गया और आया। अपने कपड़े बदल रहे हैं। आपको क्या लगा वो नशे में? बिल्कुल नहीं, बस 5 गिलास। अगर कोई काम की बात करने आए हो तो ये सही वक्त है। रात को जब वो आते हैं तो नशे में धुत रहते हैं, रात को रोते हैं और फिर बाइबल पढ़कर सुनाते हैं। माँ को गुजरे 5 महीने ही तो हुए हैं। जरूर आपको देखकर चौंक गए, तभी तो भाग गए। सिर्फ 5 महीने, अनाथ बेचारे। आपका नया कोट दरवाजे के पीछे टंगा है, ऐसे ही चलाते रहे तो बेबी उठ जाएगी। ये मेरी बच्ची है, कानूनन शादी हुई मेरी बीवी से पैदा। ये मेरा भी मेरी बच्ची है, वीरा नाम है इसका। और ये बात पूरी क्यों नहीं करते? महात्मा गांधी का खून किसने किया मालूम है? ये है वो, यही है वो। जब जब भी पहले पैसे लिए हैं क्या मैंने वापस नहीं किए? जरूर किए हैं। मैं इसे अपना साला कैसे मान सकता हूँ? मेरे घर से निकलने से इनकार करता है, यहाँ बिस्तर पर पड़ा रहता है। पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, सोचते हैं मैं गलत हूं। जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? रघुजन यहां 3 हफ्तों से है, मैं जानता हूं। सही बताओ, नस्तासिया उसके साथ है या नहीं? नहीं, दिल्ली में शादी से सीधी भागकर वो मेरे पास यहां आई। मैथ्यू मुझे बचा लो,
दोनों को फिर से मिला दिया तुमने। मैं रोक कैसे सकता था मिस्किन? तुम नशे में हो मैथ्यू, नहीं तो तुमसे कुछ पूछता। एक बूंद नहीं ली। ये बताओ वो कैसी है? पुख्ता गई है। जहां तक रघुजन का सवाल है, डरती है उससे, देखते देखते उखड़ जाती है। एक बार जब मैं उसे एपोक्लिप्स पढ़कर सुना रहा था तो उसने पाल ही नूझ लिए मेरे। एपोक्लिप्स हमारी धार्मिक किताबों में से एक है। मुझे मालूम है अनस्तासिया, अब तो वो कुछ कुछ मेरी बात मानने लगी है कि हम तीसरे घोड़े के समय में रह रहे हैं। काला घोड़ा जिसका सवार अपने हाथ में तराजू रखता है और उसके पीछे सफेद घोड़ा जिसे मौत करार दिया गया है, वो तुम्हारा कल्कि और प्रदोषक। इस सब में यकीन रखते हो? एक बहुत ताज्जुब की बताऊं मिस्किन, अगर तुम पूछो तो, नस्तासिया और अंबा। बस क्या बात है मिस्किन, हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते? पीछे का कमरा दे दूंगा, कोई तंग नहीं करेगा। शाम को ही आ जाओ। अगर तुम चाहो पावन तो मैं चला चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आज जैसी ही ट्रेन से उतरा, तुम्हारी जैसी आंखों को अपनी ओर गुरते देखा। किसकी आंखें? ये पता नहीं, काफी भीड़ थी, शायद देखा ऐसा लगा मुझे जो चीजें नहीं है उन्हें भी देखने लगा हूं। यहां अहम इति अभिमन्था असौ कर्ता, यहां चित आभास विशिष्टः अहंकारो व्यवहार दशाया देहादौ अहम इति अभिमन्यते असौ कर्ता। ये तुम्हारे पिताजी हैं? मेरे पिताजी। वो खुद मेरे पास आई, कहती रही मुझे रघुजन से बचा लो, मेरे पास से भी भाग कर चली गई। लोग कहते हैं तुमने उससे दुन निकाला। शादी भी करने वाले थे पर वो भाग निकली। रघुजन जानी तो तुम्हारी साथ शादी का मतलब है उसके लिए मौत, तुम्हारे लिए भी। अगर तुम दोनों अलग हो गए मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम दोनों को अलग खाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, तो मैं चाहता हूं पावन, मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर ठहरो, तुम जो मेरे सामने नहीं होते हो मस्किन, तुमसे नफरत करने लगता हूं। हाँ, तुम्हारी आवाज पे यकीन करता हूं, क्या तुम मानोगे? उससे मिलने से भी डरता हूं। मेरी मां काफी अरसे से बीमार है, चुपचाप से बिस्तर पर बैठी रहती है, कुछ समझती नहीं। अस्तासिया ने उनके पांव छुए और जब मैंने उनका हाथ उसके माथे पर रखा तो
रो सीधी बोली, तुम्हारी मां ने बहुत कुछ सहन किया होगा, शायद तुम दोनों खुश रहोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अभी तक नहीं समझ सके, वो किसी और से प्यार करता है, जैसे मैं उससे प्यार करता हूं वो किसी और से करता है। जानते हो वो कौन है? तुम क्या, तुम्हें नहीं पता था? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मिस्किन, लाओ तुम्हारा हाथ इसके माथे तक पहुंचा दो। Ah!
रावल जो की बीन बजाए हीर सदी दे घर वे जोगी जादूगर वे शारांजा अलबेला जोगी जादूगर वे नूर तू है अल्लाह दा हज तेरा लाल समुंदर गुल रे चौकी जादूगर चलो भाई मिस्किन कन्हैया ने बताया कि तुम मरने वाले हो मुझे लगा कि तुम बहुत बीमार हो शादी हो गई शादी नहीं की तुम अकेले हो एक राजा है क्यों अम्बालिका मैंने क्या किया हमारे साथ क्यों नहीं रहे कितनी प्यारी बच्ची है कौन है ये वीरा मातियों की बेटी अनाथ अनाथ इनकी माँ चलबसी है अब यही अपने छोटे भाई बहनों की माँ है ये मेरा बार है रेस्टोरेंट पाम दरवाजा खोलो खिड़की खोलो मुंह क्यों बनाते हो तुम पूरे उल्लू हो एकदम हकीकत आपके बारे में अखबार में पढ़ा था शायद बाइबल को लेकर कुछ था वो तो किसी और के बारे में था वो तो मर गया उसकी जगह अब मैं लेने जा रहा हूँ कभी मौका निकाल कर बाइबल के बारे में कुछ बताइएगा इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती मुझे पहचाना आपको बाहों में उठाकर घुमा करता था जब आप छोटी सी थी मुझे लगता है मुझे याद है कर्नल तुम कब अम्बा को बाहों में उठाए घूमे तुम भूल गई मम्मा हम जब जयपुर में थे तो ये मुझे बाहों में उठाकर घुमा करते थे मुझे एक तीर कमान बना कर दिया था सिखाया कि चिड़िया कैसे मारते हैं मुझे एक लकड़ी की तलवार तमाम पैसा मुझे भी याद पीने में बहा दिया जाओ कर्नल और अपने पे तरस खाओ मत जाओ मिस्किन ये रवि है पता चला आप भी यहाँ हैं दोस्त बनना चाहूंगा अब बीमार है अभी सुना शोर मचा रहे हैं अब ठीक हूँ प्रिंस को क्यों नहीं बताते पापा खुशी हुई पीतांबर का लड़का वो मिलने के लायक व्हाट सन ऑफ पीतांबर वरना खुद अंदर आ जाएंगे व्हाट सन ऑफ पीतांबर कैन दे बी ये लोग कौन है वेरी इंटरेस्टिंग ये पीतांबर का लड़का कहलाने वाला पीतांबर का लड़का अपना मुंह बंद करे मैं यही चाहती हूँ माफ करना वो आपसे मिलकर डरेंगे नहीं उन्हें आने दो मैथ्यू पीतांबर का वारिस लीलावती जी ये कौन है ये लोग चौकस है क्या चाहते हैं मिस्किन नहीं खोलो दो घंटे से बिठा के रखा है यार अंदर चलकर बात करते हैं हम तुम्हारे दोस्तों से नहीं डरते कोई भी हो तुम कोई राजकुमार नहीं अपने आप को क्या समझते हो प्रिंस तुम्हारी कहानी तो इस अखबार में छपी है मिस्किन मैं चाहती हूँ तुम इसे अभी पढ़ो बाद में अकेले में देख लूंगा डरते क्यों हो कन्हैया तुम इसे पढ़ो जोर से पढ़ो ये अहमक हाल ही में लंदन से लौट कर आया है जहां उसके पागलपन का इलाज चल रहा था पर एक बॉडम को कौन ठीक कर सकता है अपनी जवानी के दिनों में पीतांबर ने एक नौकरानी को फुसलाया था जब उसे बच्चा होने वाला था उसकी शादी एक सरकारी नौकर से करवा दी मैथ्यू धीरे धीरे बंद करो कन्हैया नहीं पढ़ो चाहे कुछ भी हो उस औरत को और उस बच्चे को जो पीतांबर का था पीतांबर ने भुला दिया भुला दिया बच्चा चौकस बड़ा हुआ अब ये अहमक इस शरीफ नौजवान को खैरात 500 रुपए भेजता है पीतांबर का असली वारिस प्रिंस नहीं चौकस लगता है लफंगों ने मिलकर बकवास लिखी है आपको कैसे मालूम कि सच क्या है मुझे बोलने दो
कम से कम इस तरह बात करें कि एक दूसरे को समझ सकें। मुझे यही कहना है कि इसमें कुछ सच नहीं। ये मेरा हक है। मुझे इस खबर का कुछ पता नहीं था। खुलासा तुम ही करो गणेश। तुम्हारी पैदाइश की तारीख तो बहुत आसानी से साबित की जा सकती है। कैसे कैसे? तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारी माँ की शादी के 2 साल बाद तुम पैदा हुए। मुझे कुछ पुराने खत मिले जो पीताम्बर साहब ने अपने दोस्तों को विदेश से लिखे थे, और इनसे यह साबित होता है कि तुम्हारी पैदाइश से 2 साल पहले और 1 साल बाद तक पीताम्बर साहब कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं। लेकिन तुमने यह सब किया क्यों चौकस? चौकस, मैंने तुमसे कहा था ना कि शायद तुम पीताम्बर के बेटे नहीं हो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मतलब चौकस पीताम्बर का बेटा नहीं? मुझे माफ कर देना, तुम्हें काफी तकलीफ पहुंचाई चौकस। हम भीख नहीं मांगते। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो? जैसे कि तुम नहीं जानते कि ये बौड़म कल तुम्हारे पास आएगा, कहेगा पैसे ले लो, और तुम ले लोगे। किसे पैसा मिलना चाहिए? हंस रहा है। तुम इस नास्तिक शपित के यहां भी जाओगे? सांस भी नहीं ले पाता और दूसरों को तबाह कर रहा है। लीलावती, आप खुद देखेंगी, मरते हुए इंसान पर हमला नहीं कर सकती। घर जाओ और लेट जाओ। लेट गया तो उठ नहीं पाऊंगा। कन्हैया ने आपके बारे में काफी कुछ बताया, आपसे थोड़ा बहुत प्यार भी करने लगा था। मैं इसे थप्पड़ मारने वाली थी। आपको इसने रोक लिया। ये आपकी बेटी अम्बा है ना? क्या एक कप चाय पी सकता हूँ? तुम शपित, माफ करना, तुम्हारा नाम भूल गया था। तुम्हारा कहना है कि तुम राह चलते लोगों से सिर्फ 15 मिनट बात करो तो वो तुम्हारे पीछे मैंने जाने को तैयार हो जाएंगे। उससे क्या? मैं यहाँ समुद्र देखने आया, क्या ये हंसी की बात है? मैं इतने दिनों से बिस्तर पे पड़ा हूँ, देख रहा हूँ खिड़की के बाहर, सोच रहा हूँ एक आदमी जो मर चुका है उसकी कोई उम्र नहीं होती। ये ख्याल मेरे दिमाग में उस दिन आया जिस वक्त मैं सो नहीं पाया। जानते हो सब लोग किस चीज से डरते हैं? निष्ठा से। ये रहे सब लोग, आज हैं फिर नहीं होंगे, कभी नहीं, पेड़ भी नहीं, पत्ते भी, दीवारों को छोड़कर और कुछ नहीं होगा। कुदरत इन सब को छोड़ देगी, उनमें खून और नफरत भर देगी। अगर वो तमाम खून एक साथ बहेगा तो सारी कायनात डूब जाएगी। अच्छा है मैं मर रहा हूं। कोई तुम पर हंस नहीं रहा, क्या कहें इसका? वाकई एक मजाक है कुदरत। क्यों आदमी बनाती है? वो आदमी जो ऊंची से ऊंची चीज सोचने के काबिल है, और फिर भी जानबूझ के कुछ ऐसा करेगा। ये शपित के लीलावती जी भी। Sorry darling, is that you? I've been looking for you all day. तुम्हारा पूरा उधार चुकता करवा दिया है, फिक्र की कोई जरूरत नहीं 3 महीने तक। Bye. पागल औरत है, इसका क्या मतलब है? रघुजा ने सब ठीक करवा दिया। पता नहीं, परसों मिल रहे हो ना? इसका क्या मतलब है? मैं किसी का देनदार नहीं, ये कौन है? कौन है मिस्किन? ए!
William! My God! मिस्किन, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूं। मेरा यकीन जाता रहा, इसलिए चोरी करने लगा हूं। कुछ तो होगा जो अपने आप पर इल्जाम लगा रहे हो। सिर्फ आपको बता सकता हूं, सुधरना चाहता हूं। मिस्किन, आपसे क्या चाहता हूं? आप जैसे सादे इंसान की तरफ देखना ही खुश कर देता है। अच्छा है आपके पास बैठना, आपके साथ बातें करना। कम से कम ये तो मालूम होता है कि आपके शायद सामने तुम्हें पैसों की जरूरत है। इसमें आपने कुछ बुरा नहीं देखा? नहीं, क्यों? वाह, हिला देते हो, कमाल करते हो, हैरत से तकता हूं। मांगना तो पैसा ही था अगर देखा जाए, लेकिन तुमने मुझसे ऐसे पूछा जैसे इसमें तुमने कुछ बुरा नहीं देखा। सुनो प्रिंस, कल रात मैंने मैथ्यू के साथ बहुत सी बोतलें खाली की। जब सोया आप मानिए रो रहा था। रोते रोते एक शैतानी ख्याल मन में आया, क्यों ना कुछ पैसे मांग लूं, कहानी तो सुनानी है। आप पिघल जाएंगे, मुझे 150 मिल जाएंगे। कितना गिरा हुआ हूं, नहीं? ऐसा होता है सबके साथ, दो ख्याल आती हैं एक साथ, मुश्किल है। हम सब कमजोर है ना, एकदम बदल नहीं सकते। आप और वो आपको बॉडम कहते हैं। आपने मुझे कितने रहम से सुना। अपने आप को सजा देने के लिए बजाय 150 के सिर्फ 50 रुपए लूंगा। तुझे चांद के बहाने देखूं छत से आ जा गोरिये। किलर फिर बेवकूफ बना गया, 50 रुपए घंटे भर में पी पाकर खत्म कर देगा। वो वाकई शर्मिंदा था माथियो, और संजीदा, लेकिन तुमने तो शर्म का दंड बना रखा है। तुम कुछ कहना चाहते हो माथियो? एक बात सच बोल दो, वो रात को जो जीप आई थी उसमें तुम्हारा हाथ था? तो ये बात है। मैंने खुद कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने तो कुछ लोगों को इस बात की इतला बढ़ती थी, कुछ लोग यहां आए हुए हैं। ये क्या खेल खेल रहे हो? इसमें मेरा कोई खेल नहीं, मेरा नहीं, ये तो कोई और लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। ये हकीकत कम और फसाना ज्यादा है। रावी का नाम क्यों काला कर रहे हो? मिस्किन, तुम पूरा सच तो बताने नहीं देते। मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुम्हें पूरा सच बताऊं, लेकिन तुम बताने ही नहीं देते। ठीक है, सच बताओ। अम्मा मेहता, रुको, ठहरो। हो नहीं सकता, तुमने खुद सोच डाला या तुम्हारी जैसी किसी पागल ने? लव्स, धंधा, झूठ, सच, एक हलवा हो गया है मेरे अंदर।
अंबा अपने घर वालों के साथ लड़ी। लगता है लड़ाई गणेश को लेकर हुई, पर वो वारी और गणेश पता नहीं कुछ करते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों, और ना ही मैं जानना चाहता हूं। तो गणेश की कुछ उम्मीदें सही साबित हो रही हैं। तुम्हारा मतलब कहीं अंबा के साथ तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बहुत शक्की होते जा रहे हो, हर चीज को मानने से इनकार करते हो। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने शक्की लफ्ज का सही इस्तेमाल किया? शायद, पता नहीं। एक बहुत ही घमंडी लड़की को लेकर तुम गणेश से जलते हो। मत सोचना माफी मांगने आई हूं, सब गलती तुम्हारी थी। ठीक ही नहीं, ढाई महीने पहले तुमने अम्मा को चिट्ठी लिखी थी। मैंने क्या लिखा था? मैं ऐसे सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे उस चिट्ठी को लेके कोई डर नहीं, कोई अफसोस नहीं। क्या उम्मीद लेकर लिखा? वो नहीं जो आप सोच रही हैं। तुम्हें प्यार हो गया है, क्यों? नहीं, मैंने तो दस्तखत किए थे तुम्हारे भाई। जानबूझकर, मुझे सच बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। कसम खाकर कहो, तुम्हारी उस औरत से शादी नहीं हुई? आप क्या कह रही हैं? शादी हो ही गई थी। क्यों? हाँ, हो ही गई थी। तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? तो उसे प्यार करते हो, यहां क्या उसके लिए आए हो, उस औरत के लिए? यहां शादी करने नहीं आया। वो अपनी जीप से क्या चिल्ला रही थी? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम पर विश्वास करती हूं। तुम्हें मालूम है वारी नस्तासिया से मिलवाना चाहती है? किसी मिलवाना चाहती है? अंबा को। सब तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। क्या उस बदमाश चौकस को 10,000 रुपए दे दिए? बेचारे ने लिखा है। बकवास। चौकस का खत देखकर आपको अच्छा लगा? आप जो महसूस करती हैं उससे शर्म क्यों करती हैं? अब कभी तुम मेरे घर मत आना। पहले ही मना ही हो चुकी है। किसने मना किया? अंबा मेहता ने। अच्छा, तुम चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। मैं लिबरलिज्म के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लिबरलिज्म कतई भारतीय नहीं। मिस्कीन, बहस चल रही है। तुम्हारे आने से पहले मिस्कीन मैं ये कह रहा था कि हमारे तमाम लिबरल्स उन्हीं स्कूल कॉलेजों में से है जो अभी तक ब्रिटिश धारे पर चल रहे हैं। तुम उस स्कूल से नहीं? मैंने IAS में बैठने से इनकार कर दिया। क्या हमारी कलाओं में कुछ भारतीय नहीं? कलाओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। हमारे लिबरलिज्म का प्रहार चीजों की मौजूदा तरतीब पर नहीं बल्कि सीधे चीजों के मर्म पर है। उनका प्रहार भारतीय व्यवस्था पर नहीं बल्कि भारत पर है। हमारा लिबरल अपनी ही मां से नफरत करता है। हर भारतीय असफलता पर उसे हंसी आती है, चाहे वो सरकार को लेकर हो या क्रिकेट को। तुम मजाक कर रहे हो रवि, और ये कोई अच्छा मजाक नहीं। लिबरल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो।
हिंदुस्तानी लिबरल शायद हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, सिर्फ इसकी संस्थान से ही नहीं, ठीक है, लेकिन एक हद तक। एक खास मामले को तुमने आम बना दिया रवि, इसलिए जो कुछ तुमने कहा उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं। हाँ यही तो सुनना चाहता था। तुम क्या कहते हो मिस्कीन, क्या ये खास मामला है? जो तुमने कहा किसी हद तक सही है, पर हर मामले में से ही हो, ये नहीं हो सकता। क्या तुम वाकई सीरियसली कह रहे हो? तुम सीरियसली नहीं पूछ रहे थे? क्या सुला देने वाली बहस कर रहे हो? तुमने एक बहुत ही मशहूर लिबरल का उस आदमी के बारे में लेख पढ़ा है जिसने 6 खून कर दिए थे। लिखा है कि उसके गरीबी के हालात को देखते हुए उसका कत्ल करना कुदरती था। क्या ये जुर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का नजरिया आम है या अलग? अलग है, बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग है। ओ मिस्किन, समझते क्यों नहीं तुम्हें छेड़ रहा है। अंबिका, मिस्किन माफ करना, लेकिन जो तुम कह रहे हो अगर उसे समझते हो तो फिर उस दिन चौकस और उसके साथियों की बातों में तुम्हें कोई गड़बड़ी क्यों नजर नहीं आई? मैं भी, लेकिन हमें आई। मिस्किन को एक चिट्ठी मिली, माफी मांगी है उसने। वही चौकस। यकीन करना कि सब चीजों के बावजूद मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। नहीं, शायद बीमार हूं, इसी वक्त जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता। पर तुम्हें हो क्या गया है? क्या हुआ? क्या है? दौरे क्या ऐसे ही शुरू होते हैं? घबराई मत लीलावती जी, मुझे दौरे नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं। आई नो आई एम एफ्लिक्टेड, 24 साल से बीमार हूं। मैं शर्मिंदा नहीं, क्योंकि अपनी बीमारी के वजह से शर्मिंदा होना एक अजीब सी बात होगी। मेरे बोलना मेरे सोचने से मेल नहीं खाता, बल्कि बिगाड़ ही देता है। इन सब से क्यों कह रहे हो? यहां एक भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे इन अल्फाज के काबिल हो, एक भी जो तुम्हारी तर्जनी के बराबर हो। ये तो तुम्हारे गिरे हुए रुमाल को उठाने के काबिल भी नहीं। हे भगवान, अम्बा, ये रहा तुम्हारा रांझा। चुप रहो, तुम्हारे होते हुए कोई मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? मां, सब लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुमको लेकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए मस्किन? तुम्हें यह बात बता देना चाहती हूं कि सब लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुमसे शादी करूंगी। क्यों कहते हैं कि मैं तुमसे शादी? तुम्हें किसी ने नहीं चढ़ाया अंबा, कभी भी इससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें शादी के लिए कभी नहीं कहा अंबा। क्या आदमी है ना अंबा? मिस्किन, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है ना मां? मंगेतर, जिसने शादी करने से इनकार कर दिया। ना ना, इस तरह नहीं, इस तरह एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ते। चलो भाग चलते हैं। मिस्किन,
आपने मिर्जा साहिबा सुनाया? मैं तो वैसे क्यों घूर रहे हो मिस्किन? कभी कभी डरा देते हो। लगता है अपनी उंगलियां बढ़ाकर मेरा चेहरा छू लेना चाहते हो। ऐसा नहीं लगता? ऐसे नहीं देख रहा मुझे? देखा, गायब हो गया राकुजन। मिस्किन, मिस्किन। बॉडम, वाकई इस जैसे आदमी का साथ चाहती है? मजाक है माँ, उसको फिर से चिढ़ा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मजाक हद से ज्यादा हो रहा है। तुम्हें उसे रोकना चाहिए माँ। सोचा था तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ के जाएंगे, लेकिन उन्होंने खा पी कर सब उड़ा दिया। पागल है, इसीलिए अब तुम यहाँ हो। You clever man, शायद तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था, हाँ? What this creature needs is a slap. Matthias. धक्का मत दो। अगर लड़ना ही चाहते हो तो अबलाओं को छोड़ो, मैं हाजिर हूं। नक्शा छाप दे मुंह पे। देखना चाहती थी ये कैसे खत्म होगा।